हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वर्मा जी स्टडी टिप्स। और आज का हम लोग का टॉपिक है प्रॉपर नाउन। दोस्तों आज है प्रॉपर, मतलब आज का हम लोग का टॉपिक है प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए प्रॉपर नाउन होता क्या है, प्रॉपर नाउन की हिंदी क्या है। तो दोस्तों प्रॉपर नाउन की हिंदी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? अब नाम से आप लोगों को पता चल रहा है यहाँ पर व्यक्ति मतलब किसी भी जाति का एग्जैक्ट नाम। तो मैं अभी आपको ऐसा पता नहीं चल रहा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फुल। अब आपने प्रॉपर नाउन की हिंदी जान ली, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन जानिए। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन होती है हम लोग की नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच क्या ऐसा डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप लोगों ने सुनी प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन, जो कि थी हम लोग की नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। लेकिन ये थी प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन। लेकिन कॉमन नाउन भी इसके थोड़ा सिमिलर है, पर सेम जैसा नहीं है दोस्तों। कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है? क्लास ऑफ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। प्रॉपर की है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। और जो हमारी कॉमन की है वो है क्लास ऑफ, मतलब क्लास और नेम का फर्क है, उसके अलावा सब सेम है, टोटल सेम है। तो प्रॉपर और कॉमन में क्लास और नेम का क्या चक्कर है? तो हम लोग का जो ये प्रॉपर नाउन है इसमें नेम बताता है, जैसे भी कोई भी थिंग हो उसका नेम बताता है, उसका एग्जैक्ट प्रॉपर चीज़ बताता है, उस व्यक्ति का प्रॉपर नाम बताता है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए प्रॉपर नाउन, अभी हम लोग यहाँ पर प्रॉपर नाउन के एग्जांपल लेते हैं। आप लोग यहाँ पर बॉय ले लीजिए, ठीक है। अब बॉय के जो अंदर नाम है, बॉय के अंदर जो नाम है राम, तो ये जो राम है, राम का एक नाम है, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो बॉय है उसके अंदर जो राम है उसका जो मतलब ये जो राम नाम है उसका, वो एक प्रॉपर कहलाएगा। लेकिन जो हमारे राम की जाति है, राम की जाति है, क्लास है, वो क्या है? कॉमन नाउन। तो इसलिए हम लोग क्लास और नेम ऑफ, तभी हम लोग के डेफिनेशन में क्लास और नेम का यूज़ होता है प्रॉपर और कॉमन में। तो ये है हम लोग का फ़र्क प्रॉपर और। अब आप लोग प्रॉपर नाउन को और अच्छी तरह समझें, मैं आपको हिंदी में डेफिनेशन बताता हूँ। प्रॉपर नाउन की हिंदी की डेफिनेशन होती है किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा किसी भी चीज़ का, मतलब किसी भी वस्तु का नाम बताया जाए। जैसे भी किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी थिंग हो, उस मतलब कोई भी वस्तु हो उसका नाम बताया जाए तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। लेकिन उसी जगह कॉमन नाउन में क्या होता है? किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, मतलब किसी भी चीज़ का, वस्तु का जाति बचाया जाए, मतलब जाति, मेरे कहने का मतलब है जैसे कि आप लोगों ने सुना राम नाम, राम है, तो ये जो हमारे राम हैं इनका जो नाम है, मतलब ये जो राम आप लोग देख रहे हो ये राम जो है प्रॉपर नाउन है। लेकिन जो राम की जाति है वो कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। तो जो जाति जो बता रहा है राम की वो कॉमन नाउन की है, मतलब बॉय है, वो एक बॉय है, तो उसकी जो जाति है बॉय है, तो बॉय क्या हुआ? कॉमन नाउन। अब बॉय कॉमन नाउन क्यों है ये सोचने वाली बात है, बॉय क्यों नहीं है प्रॉपर नाउन? ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉय के अंदर आप कोई से भी नाम ले सकते हो, राम नहीं है, श्याम है, रोहित है, विराट है, कोई भी नाम है बॉय के अंदर। तो कोई एग्जैक्ट नाम आप बॉय में, जब आप बॉय बोलते हो तो कोई एग्जैक्ट नाम आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आप एक जाति का नाम ले रहे होते हो, तभी इसको हम लोग एक कॉमन नाउन बोलते हैं। लेकिन अगर आप बॉयज़ के अंदर किसी का नाम ले रहे हो, किसी का स्पेशल नाम ले रहे हो, राम, श्याम, हरी और रोहित, विराट, कोई भी नाम हो, जैसा भी हो बॉय में, तो उसका जो आप नाम ले रहे हो वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो सेम फॉर गर्ल्स है, सेम फॉर, ये बॉय पे बात ख़त्म नहीं होती, आप गर्ल्स में भी ले लोगे, फैन में उषा फैन हो जाए, कोई सा भी फैन है, एसी में भी सेम चीज़ है। आप लोग मतलब जो एसी है वो एसी जो है हम लोग का, वो एसी जो है वो कॉमन है, लेकिन एसी के अंदर जो कंपनियां हैं, बहुत सारे एसी आते हैं, बहुत सारे एसी आते हैं, मतलब जैसे कि हायर, कोई सा भी, एलजी, तो ये जो हम लोग के एलजी और हायर ये जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन जो इनकी जाति है एसी वो है एक कॉमन नाउन। यही दोस्तों चीज़ है। और अच्छी तरह आप लोगों, और अच्छी तरह दोस्तों अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छी तरह आ जाएगा दोस्तों।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स पे पूछ लीजिए, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा पूरी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।